और सबसे बुरी बात कि जब वो लड़की की डेथ हो जाती है उसके बाद उसकी माँ को उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता, पेट्रोल से जला दिया जाता है आधी रात को, बाप को धमकाया जाता है, फैमिली का फ़ोन छीन लिया जाता है, मीडिया नहीं जा सकता, नेता नहीं जा सकते, ये कौन सा देश है? अगर इस मामले में न्याय होना है और ड्रामेबाजी नहीं होनी जिस तरह की अभी चल रही है, तो पहली शर्त है कि यूपी के चीफ मिनिस्टर को अपनी कुर्सी छोड़नी चाहिए क्योंकि सीधा उनकी शय और आदेश पे सब कुछ हो रहा था। दूसरा, ये डीएम, एसपी, एसएचओ, ट्रांसफर वगैरह का नाटक बंद करो, इनके खिलाफ एससी एसटी एट्रोसिटीज एक्ट पे मुकदमा होना चाहिए। और तीसरा, सीधा इलाहाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में इस पे जांच होनी चाहिए, नहीं तो न्याय नहीं होगा, ड्रामेबाजी होगी, न्याय के लिए ये न्यूनतम जरूरत है। उल्टी गंगा बहेगी कब तक, कश्ती यूं ही चलेगी कब तक, अंधों में अंधा बन जाना मुमकिन है आसान नहीं, खोए हुए को फिर से पाना मुमकिन है आसान नहीं। दोस्तों, इस वक्त मेरे नाल योगिंदर यादव जी मौजूद ने, स्वराज पार्टी तो गल करने की कोशिश करते हैं क्योंकि इस वक्त मुद्दा जोड़ा छाया होया वो है कि एक बेटी का बलात्कार होंगे और वह सिर्फ बलात्कार नहीं होंगे क्योंकि बलात्कार साढ़े देश के अज तक होंगे आए से, असं यूज टू हो सकी आदि हो गए से असी बलात्कारा दे, पर इस बार जो होया वो हले उसका शायद ना डिफाइन नहीं किया गया, कोई टर्म डिफाइन नहीं की गई। योगिंदर जी तुम की कहें, कोई बलात्कार से की कहोगे इस? आपने जैसा सही कहा, ये सिर्फ बलात्कार नहीं था, बलात्कार अपने आप में हैवानियत का काम है, लेकिन ये एक लड़की के साथ बलात्कार है, लड़की की हत्या है, कानून व्यवस्था के साथ बलात्कार है और लोकतंत्र की हत्या है। पहले से परिवार को पता है, फैमिली पुलिस को पहले से बता चुकी है कि उन्हें खतरा है, उसके बावजूद ये होता है गैंगरेप, उसके बावजूद मर्डर होता है, एक्यूज्ड को 4-5 दिन तक पकड़ा नहीं जाता जबकि उसका नाम नोन है, वहाँ सबकी आँख के सामने है, और सबसे बुरी बात कि जब वो लड़की की डेथ हो जाती है उसके बाद उसकी माँ को उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता, पेट्रोल से जला दिया जाता है आधी रात को, बाप को धमकाया जाता है, फैमिली का फ़ोन छीन लिया जाता है, मीडिया नहीं जा सकता, नेता नहीं जा सकते, ये कौन सा देश है? इसकी दो बड़ी हकीकतें जिससे छुपना नहीं चाहिए। पहला कि अगर सरकार की शह ना होती तो ये हो नहीं सकता, इसलिए मोदी सरकार की, योगी सरकार की बिल्कुल डायरेक्ट पहली जिम्मेवारी बनती है। और दूसरी गहरी बात ये है कि अगर वो फैमिली दलित ना होती तो ये हो नहीं सकता था, और ये जो ठाकुरवाद बीजेपी उत्तर प्रदेश में चल रहा है उसके बिना हो नहीं सकता था। इन दोनों सच्चाइयों को देखते हुए अगर इस मामले में न्याय होना है और ड्रामेबाजी नहीं होनी जिस तरह की अभी चल रही है, तो पहली शर्त है कि यूपी के चीफ मिनिस्टर को अपनी कुर्सी छोड़नी चाहिए क्योंकि सीधा उनकी शय और आदेश पे सब कुछ हो रहा था। दूसरा, ये डीएम, एसपी, एसएचओ, ट्रांसफ़र वगैरह का नाटक बंद करो, इनके खिलाफ एससी एसटी एट्रोसिटीज़ एक्ट पर मुकदमा होना चाहिए। और तीसरा, सीधा इलाहाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में इस पे जांच होनी चाहिए, नहीं तो न्याय नहीं होगा, ड्रामेबाजी होगी, न्याय के लिए ये न्यूनतम जरूरत है। सो इस योगिंदर जी, एक और सवाल, छोटा सा सवाल है लेकिन उसका अहमियत बहुत बड़ी है। बलात्कार हमारे देश में पहले भी होते थे, अभी हो रहे हैं, कुछ केसेस रिपोर्ट हो जाते हैं और जिसमें बताया जा रहा है कि प्रतिदिन 18 रेप केसेस आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कैसा इन सब चीज़ों से हम निजात पा सकते हैं, सिस्टम को क्या करना चाहिए, लोगों के अंदर कैसे हमें अवेयरनेस लेके आनी चाहिए, कि क्योंकि दो तरीके से हो सकती है, एक तो लोग ही हट जाएं ऐसा करने से, दूसरा सिस्टम इस तरीके से लॉ एनफोर्स इन्फोर्स करे कि ऐसा हो ना सके, तो आपको क्या लगता है कहाँ कमी है और कहाँ वर्क करना चाहिए? देखिए, जब निर्भया वाला कांड हुआ था उस वक्त जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी बनी थी जिसने बहुत कायदे की सिफारिश दी थी। ये जो बिल्कुल फालतू के हमारे मुहावरे चल जाते हैं, फांसी दो, ये करो वो करो, बिल्कुल फिजूल की बातें हैं। जेएस वर्मा कमेटी ने बहुत कायदे से रिकमेंडेशन दिए थे क्या क्या करना चाहिए, उनमें से एक काम हमने अब तक नहीं किया है, तो वो सब होना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें संस्कार, किस काम की बात करें जो हुआ नहीं अभी?
पुलिस स्टेशन बदलने चाहिए, पुलिस स्टेशन में महिलाओं की रिपोर्टिंग का बेहतर सिस्टम होना चाहिए, FIR इमीडिएटली होनी चाहिए, पूरा का पूरा सिस्टम उन्होंने बदलने का किया था। सिर्फ सजा को सख्त करने से सिस्टम नहीं बदलेगा। पूरी दुनिया की एविडेंस है कि अपराधी को डर ये नहीं होता कि उसको सजाए मौत मिलेगी कि सजाए उम्र कैद मिलेगी, उसको डर ये होता है कि वो पकड़ा जाएगा कि नहीं, पकड़ा जाए ये इंश्योर करना चाहिए, और उसके लिए उन्होंने रिकमेंडेशंस दिए थे। लेकिन चूंकि संस्कार की बहुत बात हो रही है और उत्तर प्रदेश के किसी मंत्री ने ये भी कह दिया है कि लड़कियां ठीक रहा करें, अगर संस्कार बदलना है अपने लड़कों का संस्कार बदलो। आज मर्दों का, लड़कों का, इस देश के मर्दों को, लड़कों का, इनका संस्कार बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी तरफ से असभ्यता हो रही है। ऐसे में उंगली औरत पे उठाना, इससे घटिया हरकत कोई हो नहीं सकती। हमारे देश के संस्कार बदलने चाहिए, पहले कानून का बदलिए, उसके बाद संस्कार भी बदलने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर योगेंद्र यादव जी जिन्होंने दस्या कि किस तरीके असं केसिस नू चेक कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं और इन्हों के उत्ते असी एक लगाम पा सकते हैं।